आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश सिंह। आज मैं आपसे एग्जाम टाइम परीक्षा मंथन विषय पर चर्चा करूंगा। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यदि इस कहावत को आप समझ सकते हैं तो आप आज ही तैयार हो जाइए एक अलग ढंग से कार्य करने के लिए। और वह अलग ढंग क्या होगा, इसके बारे में हम आपको एग्जाम टाइम सीरीज परीक्षा मंथन के माध्यम से बताएंगे, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में कोरोना वायरस से समाज का हर क्षेत्र, हर वर्ग प्रभावित हुआ है, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र और आने वाले भविष्य के निर्माता जो कि एक युवा वर्ग आप सभी हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र पर भी पड़ा है। तो इस समय आपको आत्मविश्वास के साथ और आत्ममंथन के साथ कि हम एक भविष्य के और एक राष्ट्र के निर्माता हैं, इसके लिए दृढ़ संकल्प लेकर तैयारी करना कि हम एक राष्ट्र को बचा सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया, एक अलग ढंग से अध्ययन करने की प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। अब वह प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। जैसे आप सभी जानते हैं, वर्तमान में आप स्नातक बीए के स्टूडेंट्स होंगे या आप परास्नातक एमए के स्टूडेंट्स होंगे। यदि आप बीए और एमए के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भविष्य में जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परीक्षा का कैलेंडर कभी भी जारी किया जा सकता है। एक टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया जा रहा था जिसमें कभी जून में एग्जाम होंगे या जुलाई में होंगे या अगस्त में होंगे, इस तरह की संभावनाएं दी जा रही हैं। यदि परिस्थितियाँ सही होती हैं तो आपके समय से परीक्षाएं करा ली जाएंगी, लेकिन कब कराई जाएंगी ये अभी संभावित है। तो आपको हर समय हर वक्त परीक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वह आपकी परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होगी, वो परीक्षाओं को हम तीन भागों में विभाजित कर बता सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक परीक्षा दूसरी परीक्षा से जुड़ी हुई है। जैसे आप वर्तमान में स्नातक की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते हुए आपको दूसरे तरह की परीक्षा की भी तैयारी करनी है। यदि स्नातक के हैं तो आपको परास्नातक एमए के इंट्रेंस के एग्जाम्स की तैयारी करनी है या बीएड के इंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करनी है और अन्य इंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो क्या वह स्नातक की तैयारी के दौरान आपने जो विषय लिया है, हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है, वह कितना लाभदायक हो सकता है अन्य परीक्षाओं के लिए, और उस सेमेस्टर के परीक्षाओं को देते हुए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके परास्नातक एमए की परीक्षाओं में, इंट्रेंस की परीक्षाओं में आ सकते हैं, उसके लिए भी आपको नोट करते जाना है और ध्यान देना है। तो यदि आप सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वह आपके इंट्रेंस की परीक्षाओं के लिए भी वह तैयारी में काम आए। तो ये दोनों तरह से आप ध्यान देंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो सकती है, आपको अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आपके ऊपर यह भार भी है कि भविष्य में रोजगार जो इस समय वर्तमान समय में सृजित नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में वह रोजगार बहुत सारे क्षेत्रों में सृजित होंगे, जिसमें यदि देखा जाए आपने अपना कोई ड्रीम या सपना, अपना उद्देश्य बना रखा है, वह सपना आपका यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हो सकती हैं या आपके आईएएस पीसीएस की परीक्षाएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप किसी भी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं एवं अन्य क्षेत्र, रेलवे की परीक्षाएं एवं अन्य परीक्षाएं भी हो सकती हैं। तो वह सभी परीक्षाओं के लिए आप किस प्रकार से तैयारी करें जिसमें आपके इतिहास विषय से जुड़े हुए प्रश्न उन परीक्षाओं में भी लाभकारी हो सकते हैं,
तो उसके लिए भी आपको इस वर्तमान समय में भी तैयारी करनी होगी, जिसमें स्नातक की परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ आप एंट्रेंस की परीक्षाओं की भी तैयारी करें और उसके साथ ही आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, रोजगार को प्राप्त करने के लिए, अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए भी तैयारी करें। उसके बारे में इस एग्जाम टाइम सीरीज परीक्षा मंथन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि उन विषयों की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और वह कौन कौन से टॉपिक्स में आपके प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि आप यदि स्नातक की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं, जिसमें सेमेस्टर परीक्षाएँ होती हैं, उसमें तीन तरह के प्रश्न बनते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आप देखते होंगे कि 50 वर्ड्स के 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसे शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आप देखते हैं। उस 50 वर्ड में आपको क्या लिखना है, कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, इतिहास के दृष्टिकोण से वह तिथि जो महत्वपूर्ण है या घटना महत्वपूर्ण है, उसका वर्णन किस प्रकार से करना है वह बताना आवश्यक है। इसके बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही आने वाले भविष्य के किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 250 वर्ड में 10 मार्क्स के होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी कि 250 वर्ड में किन किन बातों को लिखना महत्वपूर्ण होता है और उनमें से हम किस तरफ फोकस कर सकते हैं जिससे कि अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो सकें। तीसरे तरह के क्वेश्चन बनते हैं इन सेमेस्टर एग्जाम में, वह 15 मार्क्स का होता है, 500 वर्ड। उन 500 वर्ड में आपको विस्तृत जानकारी देनी होती है, उस विस्तृत जानकारी में कौन कौन से फैक्ट, कौन सी घटनाएं जो आपके प्रश्नों के अनुसार लिखनी चाहिए, वह आवश्यक होती है, वह महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम टाइम के समय में अच्छी तैयारी कर सकें, इसी समय आप तैयारी कर सकें। अब हम दूसरे तरह के दृष्टिकोण में देखते हैं, यदि एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप में उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए किस तरह के ऑप्शंस बनते हैं, जो 4 ऑप्शंस में आप चुन सकें, जो कि स्नातक की परीक्षा के दौरान उनको आप नोट कर सकें, जिसे नोट्स के माध्यम से साथ ही साथ बनाते रहें, जिससे कि एंट्रेंस के एग्जाम्स की भी तैयारी होती रहे। उसके बारे में भी आपको चर्चाएं की जाएंगी, वह क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, कौन से बनेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही तीसरे तरह के क्वेश्चंस जिसमें आप UGC NET JRF परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे और इसके साथ ही आप देखते हैं IAS PCS और अन्य परीक्षाओं, बैंक, रेलवे, SSC की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके लिए हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसको वर्तमान समय में आप स्नातक की तैयारी करने के दौरान ही नोट्स बनाते रहें, जो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं, भविष्य में उस तैयारी के लिए लाभदायक होंगे। यदि आप IAS के एग्जाम दे रहे हैं, PCS का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें मेंस का पेपर होता है, उस मेंस के पेपर्स में आपको 500 वर्ड में क्वेश्चंस को लिखना होता है, आंसर्स को लिखना होता है, उस आंसर्स में क्या महत्वपूर्ण होता है, तर्कात्मक आंसर्स कौन से होते हैं और समसामयिक आंसर्स कौन से बन सकते हैं, उसके बारे में समय समय पर आपको अन्य वीडियो के माध्यम से या विषयों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से आपको बताया जाएगा और उस तरह के क्वेश्चंस को भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे और चर्चाएँ करते रहेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि इन तीनों एग्जाम्स की एक साथ हम तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से नोट्स बनाएंगे। अब आप मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस समय लॉकडाउन के समय में, वर्तमान समय में अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, जिससे कि संभावित परीक्षाएं, रोजगार के लिए जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें, जब भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए आप हमेशा ही तैयार रहें और आपके नोट्स हमेशा ही बने रहने चाहिए, जिससे कि आपके सभी एग्जाम्स को पास कर सकें। कभी यदि आपसे विचार विमर्श होगा, आपके कमेंट्स आएंगे और सुझाव आएंगे कि हमें किस प्रकार से तैयारी और अच्छी की जा सकती है, किस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए, किस विषय पर आपको व्याख्यान दिया जाना चाहिए, इसके बारे में यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, हमसे चर्चाएँ करते रहेंगे, तो हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,
जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने सपनों में जान लाइए, इसी समय तैयार कर लीजिए कि आपको किस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, और हौसला बना लीजिए कि हमें ये एम या अचीव करना है, ये टारगेट को प्राप्त करना है, तभी आप भविष्य में उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके अन्य वीडियो को जारी रखने के लिए, सुनने के लिए या चर्चा करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में जो भी आपके विषय में चर्चा होगी, जिस एग्जाम्स की तैयारी के लिए इस एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत चलाया जाएगा, वो आते रहेंगे, जिससे कि आपको नवीन जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।